मैं डॉक्टर जी आर वर्मा, सहाचार्य समाजशास्त्र, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रसंग मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कानून के विद्यार्थी होने के बाद भी आपने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं धर्मशास्त्र आदि को विशेष आदि के अंतर्गत लेखन का कार्य किया। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया। आपने कहा कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया जब कहा जा सकता है जबकि वह क्रिया दूसरों के व्यवहारों द्वारा अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे ही सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। आपने सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए वास्तेहन पद्धति को प्रयोग में लिया। आपने कहा कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सामान्यतः व्यक्ति के व्यवहारों का संपूर्ण दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना आवश्यक है। अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए वास्तेहन पद्धति महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों के विचारों एवं भावनाओं को श्रम के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जा सकता है। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल सन 1864 को जर्मनी के एयरबुट नामक नगर के अंतर्गत हुआ था। आपने 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत ही स्कूली शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात सन 1882 में हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत कानून के विद्यार्थी के रूप में दाखिला लिया। वह 1883 के अंतर्गत आपने सैनिक स्कूल के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह सन 1886 के अंतर्गत ही कानून की शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान करने के साथ साथ सन 1889 में PhD की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ हम मैक्स वेबर की कुछ कृतियों का अध्ययन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। मैक्स वेबर की प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक द डिविजन द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म के अवधारणा का प्रतिपादन सन 1909 के अंतर्गत किया था। इस पुस्तक के अंतर्गत आपने अमेरिका तथा यूरोप के अंतर्गत पूंजीवाद की स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। अर्थात मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को विशेष महत्व प्रदान किया और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समाज के अंतर्गत सामान्यतः पूंजीवाद की स्थिति को जन्म देते हैं। आपने प्रोटेस्टेंट धर्म की उन शक्तियों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि कर्म ही पूजा है, धन से धन कमाया जा सकता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के समान है। इस पुस्तक के अंतर्गत आपने पूंजीवाद की अवधारणा को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया। मैक्स वेबर की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक धर्म का समाज, इस पुस्तक के अंतर्गत आपने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म आदि के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी आपने सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ आपके एक और महत्वपूर्ण पुस्तक एसेज इन सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं व समाजशास्त्रीय अध्ययनों का विस्तृत ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हम कहें कि मैक्स वेबर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने समझाने का प्रयास किया गया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं में यथार्थता का विश्लेषण एवं वर्णन किया जा सके। यहाँ हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का अर्थपूर्ण ढंग से अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है। इसके अंतर्गत हम
सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं की चर्चा करें तो सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य के व्यवहारों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सामान्यतः वर्तमान की स्थिति, भूतकाल तथा भविष्य के अंतर्गत घटित घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अतीत के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को आधार मानते हुए वर्तमान के अंतर्गत भी उसका बदला लेने का प्रयास किया जा सकता है, जिसका सामान्यतः भविष्य के अंतर्गत भी प्रभाव देखा जा सकता है। और यह क्रिया अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त की जाती है तो वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत मानी जा सकती है। मैक्स वेबर ने कहा कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। अर्थात किसी भी जड़ अथवा बेजानदार वस्तुओं के द्वारा की जाने वाली क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह क्रिया सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती है। इसी आधार पर वेबर ने समझाने का प्रयास किया गया है कि मन ही मन के अंतर्गत सोचा गया विचार भी सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि वह दूसरों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं के अंतर्गत कहा है कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ सकता। अर्थात यदि हम रास्ते के अंतर्गत चल रहे हैं और रास्ते के अंतर्गत बिगर बोले किसी से विचारों का आदान प्रदान किए हुए चले जा रहे हैं तो वह भी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। केवल संपर्क को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक वह संपर्क अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। अर्थात यहां मैक्स वेबर ने समझाने का प्रयास किया गया है कि अनेक व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार से की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ सकती, क्योंकि वह क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों द्वारा जब तक प्रभावित नहीं होती है वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानी जा सकती है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते यदि बारिश आ जाती है और प्रत्येक व्यक्ति बिगर कहे अपना छाता निकालकर पहन लेता है तो वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं कहे और उसे अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं करे वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। मैक्स वेबर ने जहां सामाजिक क्रिया के अनेक विशेषताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है वहीं सामाजिक क्रिया के प्रकारों को भी समझने का प्रयास किया गया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सामान्यतः निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें है सामाजिक क्रिया के प्रकारों में प्रथम है तार्किक क्रिया। किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया जब कहा जा सकता है जबकि वह अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त होती है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों में सर्वप्रथम तार्किक क्रिया को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत घटनाओं का तर्कबद्ध ढंग से व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात उसके अंतर्गत क्रमबद्धता तथा वैज्ञानिक पद्धतियों को भी विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है, उसे ही तार्किक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। जैसे पुल का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना आदि तार्किक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है। मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सामान्यतः तार्किकता को विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। अर्थात बिगर किसी तर्कबद्धता के आधार पर
जो कार्य प्रदान किया जाता है सामान्यतः वह तार्किक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। उन्होंने उदाहरण के आधार पर समझाने का प्रयास किया है कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः मूर्ति पूजा परंपराएं वह मूर्ति पूजा की परंपराएं आदि की श्रेणी को सामान्यतः मूल्यांकनात्मक श्रेणी के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है। हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, परंतु हमें यह पूजा पाठ तथा दान पुण्य का कोई पता नहीं है कि इसका परिणाम कब तथा किस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार की क्रियाओं को भी सामान्यतः मूल्यांकनात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है, जिसमें तर्क को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। ऐसी क्रिया सामान्यतः मूल्यांकनात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों के अंतर्गत भावात्मक क्रिया या भावनात्मक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया आदि के नाम से भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस क्रिया को सामान्यतः व्यक्ति जब करता है, जब वह भावाभिव्यक्ति के अंतर्गत क्रोध की स्थिति में आ जाता है या दया, सहानुभूति, सहयोग आदि के माध्यम से व्यक्ति कई बार, बल्कि वो नहीं करना चाहता या करना चाहता है और ऐसा हो जाता है या कर देता है, तो उसे भावात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। इस क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति आवेश के अंतर्गत आकर कई बार ऐसे कार्य भी हो जाते हैं जिनको कि वह नहीं करना चाहता। जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र के बार बार जिद करने पर सामान्यतः किसी कार्य के अंतर्गत अवरोध उत्पन्न करने पर, यदि वह अपने पुत्र के बार बार परेशान करने या किसी वस्तु की मांग करने आदि के द्वारा यदि वह पुत्र को तनाववश चाटा जड़ देता है या थप्पड़ थप्पड़ जड़ देता है, तो सामान्यतः वह भावात्मक क्रिया के नाम से जानी जा सकती है, क्योंकि यह क्रिया आवेश के अंतर्गत आकर की जा सकती है। बल्कि व्यक्ति इसके अंतर्गत पश्चाताप करने का प्रयास करता है कि मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, परंतु वह क्रिया हो जाती है, उसे भावात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के प्रकारों में एक और क्रिया पर विशेष चर्चा करने का प्रयास किया है, वह है परंपरात्मक क्रिया। अर्थात ऐसी क्रिया जो सामान्यतः हमारे पूर्वजों द्वारा परंपराओं के आधार पर चली आ रही है, उन सभी क्रियाओं को परंपरात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। इस क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति सामान्यतः इसलिए अपनाने का प्रयास करता है कि हमारे पूर्वज सामान्यतः इस प्रकार से करते आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसी क्रिया को जो अतीत के अंतर्गत पहले से ही चली आ रही है, परंपरात्मक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। समाज के अंतर्गत दहेज, पर्दा प्रथा आदि परंपरात्मक क्रियाओं के नाम से माना जा सकता है, क्योंकि इन क्रियाओं को सामान्यतः व्यक्ति पूर्वजों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। जहां एक और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया है, तो वहीं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में कुछ आलोचनात्मक कमियां उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः यह सिद्धांत को लागू करने में कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। जहां मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के अंतर्गत केवल नकारात्मक दृष्टिकोण को ही विशेष महत्व प्रदान किया है, अर्थात उन्होंने सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं के माध्यम से ही अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, बल्कि यह अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं किया है कि सामाजिक क्रिया यह है और इसे कहा जा सकता है। अर्थात घटनाओं के अध्ययन के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण को ही विशेष महत्व प्रदान किया है, अर्थात सामाजिक क्रिया किसे नहीं कहा जा सकता को ही अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जहां एक और सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सामान्यतः केवल कार्य को क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत अभिव्यक्त नहीं कर उसे अर्थ बोध ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास
किया है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में कुछ आलोचनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से सामान्यतः यह समाज में अर्थपूर्णता के आधार पर ही अभिव्यक्त हो सकती है। ओके, थैंक यू।